हाय फ्रेंड्स, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं अकाउंट्स विद प्राइम टैली। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्राइम टैली को डाउनलोड कैसे करें, ये टैली क्या है, इसको कब और किसने लॉन्च किया, और टैली को सीखने के लिए, टैली में वर्क करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। तो आइए हम जानते हैं अकाउंट के बारे में। टैली में सबसे इम्पोर्टेंट चीज अकाउंट है। तो मैंने अकाउंटिंग, अकाउंट के डिफिनिशन, अकाउंटिंग के पार्ट्स एंड अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं उन सबको बता। जैसे कि आपने जाना अकाउंटिंग किसे कहते हैं, अकाउंटिंग के कितने रूल्स हैं, और इधर कुछ डेफिनेशन, ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस ओनर, कैपिटल, ड्राइंग। अब ड्राइंग के आगे बारी आती है गुड्स की। गुड्स किसे कहते हैं, गुड्स मतलब माल, या कोई जैसे कि वस्तु या माल कह लीजिए। माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका व्यापार में क्रय विक्रय किया जाता है। इसके अंतर्गत कच्ची सामग्री या अर्धनिर्मित सामग्री हो सकती है। गुड्स जिसका हम यूज परचेज एंड सेल के लिए बिजनेस में करते हैं। अब वो गुड्स कच्ची सामग्री हो सकती है या फिर अर्धनिर्मित, यानी कि जैसे कोई हम सोने की कोई ज्वेलरी लेते हैं तो वो हमें बनी बनाई ज्वेलरी मिलती है, जबकि वो बनती किस चीज से है, गुड से, कच्ची सामग्री से। अब किसी लकड़ी से कोई फर्नीचर बनवा रहे हैं तो लकड़ी हमारी कच्ची सामग्री हुई, उससे हम फर्नीचर बनाए, ये सब गुड्स के अंतर्गत आते हैं। आगे है परचेज। परचेज किसे कहते हैं, पुनः विक्रय के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल क्रय या खरीदी कहा जाता है। व्यापार में माल उधार या नगद खरीदा जा सकता है। हम कोई भी सॉरी ट्रेड या बिजनेस में कोई भी गुड्स परचेज करते हैं वो हम या तो कैश परचेज करते हैं या फिर क्रेडिट परचेज करते हैं। आगे है सेल्स। सेल्स किसे कहते हैं, जो माल बेचा जाता है उसे विक्रय कहते हैं। अब जो जाहिर सी बात है कि हमने कुछ गुड्स खरीदे हैं बिजनेस के लिए, अपने ट्रेड के लिए, तो उसे बेचने के लिए खरीदा होगा, घर में रखने के लिए तो खरीदते नहीं है अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो जो परचेज की हुई जो गुड्स है उसे हम सेल्स भी करेंगे। तो सेल्स हम दो तीन तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट, जो माल नगद बेचा जाता है उसे हम नगद विक्रय कहते हैं। फर्स्ट हम कैश सेल्स, यानी कि कैश में कोई भी गुड्स या कोई वस्तु खरीद सकते हैं। सेकंड, सेल्स, जो माल उधार बेचा जाता है उसे हम क्रेडिट सेल्स कहते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा कैश सेल्स, सेकंड हो गया क्रेडिट सेल्स, एंड एक थर्ड है टर्नओवर। जो माल नगद और उधार दोनों मिलाकर बेचा जाता है उसे टर्नओवर कहते हैं। अब मान लीजिए कि हमने कुछ गुड्स सेल्स किए और वो बिल्कुल उधार खरीद लिए, हमने एक रुपया भी नहीं दिया, सामान लेके आए घर, बोले भैया कल पैसा दे देंगे, तो उसे हम क्रेडिट सेल्स कहते हैं। और हमने कुछ सामान खरीदा और उसमें कुछ पैसा हमने उसे दिया और कुछ हमने बचा लिया, उसे हम टर्नओवर कहते हैं। जैसे 500 रुपए की कोई गुड्स है उसमें से हमने उसे 300 रुपए पे किया और 200 रुपए हमारा क्रेडिट रह गया, तो वो हमारा टर्नओवर हो जाता है। तो ये सेल्स के अंतर्गत तीन आते हैं, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स और टर्नओवर। आगे है परचेज रिटर्न्स। परचेज रिटर्न किसे कहते हैं, जब खरीदी गई माल में कुछ माल विभिन्न कारणों से वापिस कर दिए जाते हैं उसे क्रय वापसी कहते हैं। विभिन्न कारण मतलब कोई हमारा माल डिस्पोजल हो या फिर वेस्ट हो चुका हो या फिर वो खराब हो, रैपर हटा हो, पैकेट खुला हो, इसके वजह से हम उसे रिटर्न करने जाते हैं, वो हमारा परचेज रिटर्न होता है। आगे बारी है सेल्स रिटर्न की।
विक्रय वापसी, जब बेचे हुए माल का कुछ भाग विभिन्न कारणों से व्यापारी लौटा देता है तो वो विक्रय वापसी कहलाती है। अब हमने कोई गुड्स सेल कर दिया और मालूम पड़ा वो व्यापारी अपने घर लेके गया उस गुड्स को, और वहां उसे मालूम पड़ा कि उसमें कुछ खराबी है, वो आकर के वापिस कर दिया, वो हमारा सेल्स रिटर्न हो गया। आगे बारी है स्टॉक की। स्टॉक किसे कहते हैं? किसी भी व्यवसाय में वर्तमान में हमारे पास किसी भी मात्रा में जो माल उपलब्ध है उसे हम स्टॉक कहते हैं। साल के अंत में जो माल बिना बिके रह जाता है, यानी कि बिना सेल्स किए हुए, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, और अगले साल वही बिना बिका हुआ माल हमारा अगले मंथ में, नेक्स्ट ईयर के मंथ में वो हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। मान लीजिए हमने 2019 में कुछ सामान सेल्स किए और जब हमारा 2019 के 31 दिसंबर तक जो माल रह गया हमारे स्टॉक में वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, और वही माल हमारे 2020 के 1 जनवरी में वो हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। आगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है? लेनदार वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य कंपनी को सेवा या माल उधार देती है वह क्रेडिट कहलाती है। मान लीजिए इस टाइप लोन वगैरह कोई ऐसी संस्था है या कोई कंपनी है जो आपको उधार कोई माल दे रहा है या फिर कोई सेवा दे रही है, वो हमारी क्रेडिटर्स कहलाते हैं हमारे लिए। एंड डेटर्स वह व्यक्ति आगे है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में दो आते हैं, करेंट लायबिलिटीज एंड दूसरा फिक्स्ड लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज किसे कहते हैं? वे सब ऋण जो व्यापार के अन्य व्यक्ति अथवा स्वामी के प्रति चुकाने होते हैं वो लायबिलिटीज कहलाते हैं, यानी कि कर्ज। अगर हमने कोई बिजनेस अपना खोल रखा है और उसमें किसी से कर्ज लिया और हम दो तीन आदमी मिलके बिजनेस चला रखे हैं और उस कर्ज को हम तीनों को कभी ना कभी चुकाना है, तो वो हमारा दायित्व होता है कि हमें आज न कल वो ऋण चुकानी पड़ेगी। तो दायित्व भी दो तरह के होते हैं, करंट लायबिलिटीज और दूसरा फिक्स लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज मींस ये वो लायबिलिटीज है जो कम समय में चुकाया जाता है। अब हम ये किसी से कर्ज लिए हैं दो चार दिन के लिए, तो ये हमारा करंट लायबिलिटीज हो गया कि हम आज आप हमें ये चीज दीजिए और इसके अगले दिन या फिर दो चार दिन या फिर वन वीक, ज्यादा से ज्यादा वन वीक हम आपको इसका पेमेंट कर देंगे, तो हमारा करंट लायबिलिटीज हुआ, करंट दायित्व हुआ, चालू दायित्व। दूसरा फिक्स लायबिलिटीज, अभी हम कोई गुड्स किसी से परचेज कर रहे हैं और हमने उसे कहा कि मैं इसका पेमेंट आपको साल भर बाद दूंगा, वन ईयर, तो ये वो लायबिलिटीज है जो एक साल से अधिक समय में चुकाया जाता है, इसे हम फिक्स लायबिलिटीज कहते हैं। आगे आइए एसेट। एसेट हमारे दो तरह के होते हैं, फिक्स एसेट और दूसरा करंट एसेट। तो एसेट कहते किसे हैं? व्यापार में समस्त वस्तुएं जो व्यापार संचालन के लिए सहायक होती है वो हमारी संपत्ति कहलाती है। संपत्ति हमारा कुछ भी हो सकता है। अब हम कोई मान लीजिए ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं तो हमारी सिस्टम है, विंडोज है, टेबल बेंच कुर्सी वगैरह वगैरह, ये सब हमारा क्या हो गया? एसेट हो गया। एसेट भी दो तरह के होते हैं, फिक्स एसेट दूसरा करंट एसेट। फिक्स एसेट हम किसे कहेंगे? फिक्स एसेट मींस अस्थाई संपत्ति। वैसा वस्तु जो व्यवसाय को चलाने के लिए अस्थाई रूप से खरीदा जाता है और जिसे बार बार इस्तेमाल किया जाता है और जिन्हें बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता है। अब हमारे पास हमारा सिस्टम है जैसे कि लैपटॉप वगैरह है, चेयर है, टेबल है, ये सब हमारा फिक्स एसेट है।
तो ये हम बार बार, ये हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं और हम इनका यूज बार बार करते हैं। और करंट एसेट, अचल संपत्ति, ये वह संपत्ति है जो व्यापार में अस्थाई से नहीं रह सकता है लेकिन जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। एक इसका सिंपल सा एग्जांपल है करंट एसेट का, कैश यानी कि नगद। नगद हमारे व्यापार में अस्थाई रूप से नहीं रहती है और उसका हम बार बार इस्तेमाल भी करते हैं और ये हमारा अस्थाई संपत्ति है। सबसे अच्छा एग्जांपल है करंट एसेट का कैश। आगे एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या है और एक्सपेंस कितने तरह के होते हैं। तो माल के उत्पादन एवं उसे बेचने में जो भी खर्चे होते हैं वो हमारे व्यय कहलाते हैं यानी कि एक्सपेंस कहलाते हैं। कोई भी गुड्स का जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसे उगाने से बेचने तक में जो खर्चे होते हैं वो हमारा व्यय कहलाता है। मान लीजिए हमें फार्मिंग का कोई काम कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारे चीज का पेड़ लगाया, उसमें से फल निकला और फल पेड़ रोल लगाया, पेड़ बड़ा हुआ, फल निकला, फल को हमने तोड़ा, पकाया, बेचा, इस सब चीज में ये करने में हमें जितने कैश लगे होंगे या फिर जितने वर्कर्स वगैरह लगे होंगे वो सब हमारा क्या है, व्यय है, खर्चा। वह दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मींस ये वे खर्चे होते हैं जिन्हें व्यापारी माल खरीदने वक्त करता है, जैसे कि जब हमने फार्मिंग के लिए पेड़ खरीदा, पेड़ खरीदने वक्त जो हमारा खर्च हुआ वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, या माल के उत्पादन में करता है, उसे उगाने में जो खर्चे हुए वे सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस अप्रत्यक्ष व्यय, ये वे व्यय है जिसका संबंध वस्तु के क्रय या उसके निर्माण से नहीं न होकर वस्तु की बिक्री या कार्यालय संबंधी व्यय से होता है। मान लीजिए ये हमारा पेड़ लगाने या फल उगाने के टाइम ये खर्चे नहीं होते, ये खर्चे हमारे जब हम वो फल जो आते हैं हमारे पेड़ से उसे बेचने जाते हैं और जो ऑफिस वर्क होता है हमारा रजिस्टर वगैरह का, उन सब में ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन्वॉल्व होता है। आगे बात ये रेवेन्यू की, रेवेन्यू किसे कहते हैं। रेवेन्यू यानी कि राजस्व, गुड या गुड्स या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर उससे जो प्राप्ति होता है वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है। कोई भी हमने गुड्स मार्केट में सेल किया उससे जो भी इनकम हमारे पास आई वो हमारी रेवेन्यू होती है और हमारा उस पर किसी और का हक नहीं, हमारा खुद का हक होता है, वो हमारा रेवेन्यू है, राजस्व है। इनकम, इनकम क्या है, किसी भी माल या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर उससे जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसमें से एक्सपेंस को घटाने पर जो राशि बचती है वही राशि हमारी इनकम कहलाती है। जैसे कि कोई भी माल गुड्स है जो सर्विस और मार्केट में हमने सेल किया और उससे जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ, जो राजस्व हमें मिला, उसमें से जो उस माल को बेचने में जो खर्चे हुए हैं उसे घटाकर जो राशि बचती है हमारे पास, जो कैश बचता है, वो हमारा इनकम होता है। इनकम भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनकम और एक इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम वह इनकम है जो हमें मुख्य व्यवसाय से मिलती है या शॉप इंडस्ट्रीज से प्राप्त होने वाले आय डायरेक्ट इनकम कहलाते हैं। और इनडायरेक्ट इनकम अप्रत्यक्ष आय यानी कि मुख्य व्यवसाय के अलावा जो इनकम होती है वह हमारा इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। यानी कि अब डायरेक्ट इनकम में हमारा जो कंपनी में जो गुड्स वगैरह है, जो प्रोडक्ट्स लगे हुए, उन्हीं से इनकम आ रहा है। और इनडायरेक्ट इनकम हमारे बाहर से कुछ आ जाते हैं, कभी अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग रेट प्राइस सेल्स वगैरह करने के पे जो इनकम आती है वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम होती है। एंड देन लास्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट किसे कहते हैं, बट्टा या छूट। व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली रियायत छूट डिस्काउंट कहलाती है। यानी कि अब कोई गुड्स हम सेल कर रहे हैं और उसकी प्राइस है 500 रुपीज और किसी कस्टमर ने कहा कि आपने इस पे कितने डिस्काउंट दे रखे हैं,
तो हमने बोल दिया जो डिस्काउंट है 20%, 50% या फिर 10% जो भी हो, वो हमारा डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट भी दो तरह के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं? व्यापारी माल बेचते समय ग्राहक को माल के मूल्य में कुछ कमी या बिल की राशि में जो कमी करता है वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। और कैश डिस्काउंट व्यापारिक चलन के अनुसार प्रत्येक ग्राहक को एक निश्चित अवधि में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। अगर ग्राहक निश्चित अवधि के पहले ही भुगतान कर दे तो उससे जो छूट दी जाती है इसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। इसके लालच में ग्राहक शीघ्र भुगतान करने के लिए भी तैयार हो जाता है। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पे हमने सेल लगाया और उसे कहा कि इस पे 50% का कैश डिस्काउंट है, बट इतने तारीख से पहले एक फिक्स्ड डेट डाल दिया, और उस डेट से पहले अगर वो कस्टमर पेड कर दे रहा है उस प्रोडक्ट की प्राइस तो उसे वो डिस्काउंट दी जाती है, इसे हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। और इसी लालच में ग्राहक डिस्काउंट पेड जल्दी कर देता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और इसी तरह मेरे साथ एक टैली प्राइम टैली की वीडियोस आगे देखते रहिए, और एक और वीडियोस अकाउंटिंग की बनेगी, उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली प्राइम टैली प्राइम के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।